نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقه في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وقال تعالى في محكم تنزيله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نور کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا آپ کے روبرو تلاوت کیا گیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حکم رسول کی مخالفت کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا وہ دردناک عذاب کے شکار نہ ہو جائیں محترم حضرات اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین لکھتے ہیں حکم رسول کی مخالفت کرنے والا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا آپ کی باتوں کو ٹھکرانے والا وہ فتنے میں مبتلا ہوگا فتنہ کیا ہے مفسرین کہتے ہیں فتنے سے مراد شرک ہے آج وہ نبی کی نافرمانی کرے گا تو آنے والے دنوں میں وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا اور ایسے آدمی کے لیے ہی
दर्दनाक अजाब अल्लाह ताला तैयार करके रखा है। तो कुरान करीम आगाह करता है जो लोग रसूल की नाफरमानी करते हैं उनको खबरदार होना चाहिए, होशियार होना चाहिए कि कहीं वो शिर्क के दलदल में मुब्तला ना हो जाएं। हजरात, एक है मासियत यानी नाफरमानी और गुनाह के काम, और दूसरा है बिदअत यानी दीन के अंदर सवाब की नीयत से नए नए काम ईजाद करना, और तीसरा है शिर्क यानी अल्लाह के साथ इबादत में किसी और को शामिल करना। मासियत, बिदअत और शिर्क देखने में तीन अलग अलग हैं लेकिन तीनों में बड़ा गहरा ताल्लुक है, तीनों में बड़ा गहरा रिश्ता है। हम आज नाफरमानी करते हैं, आज गुनाह करते हैं तो कल बिदअत भी करेंगे। अगर तौबा नहीं करें तो आने वाले दिनों में ये बिदअत करने वाले, नाफरमानी करने वाले शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे। ये आयत करीमा हमको इस बात की तरफ इशारा देती है। मिसाल के तौर पर दुनिया में सबसे पहले शिर्क नूह अलैहिस्सलाम के कौम से शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नूह अलैहिस्सलाम तक 10 जनरेशन खत्म हो गए, 10 नस्लें चली, सब के सब तौहीद वाले मुवहिद थे, सालिहीन थे, नेक लोग थे, शिर्क 10 नस्लों में शिर्क नहीं था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में शिर्क का आगाज कैसे हुआ? शैतान सबसे पहले बिदअत इजाज किया। क्या किया? नेक लोग जब इंतकाल हो गए, उनके नाम भी कुरान जिक्र करता है सूरह नूह में, एक का नाम था वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर, ये पांच बुजुर्गों के अल्लाह वालों के नाम कुरान जिक्र करता है। जब ये लोग इंतकाल हो गए तो शैतान उनकी औलाद के पास आया और कहने लगा, बड़े अल्लाह वाले, बड़े नेक लोग थे, गुजर गए, उनको याद रखना चाहिए, उनको मोहब्बत करना चाहिए। सच्ची बात है, नेक लोगों से मोहब्बत करना ईमान का एक हिस्सा है, नेक लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, इस्लाम भी इसकी तालीम देता है। लेकिन इस रास्ते से शैतान लोगों में शिर्क पैदा किया। शैतान नेकी के रास्ते से नेक लोगों को गुमराह करता है। क्या कहा उसने? ثُمَّ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, ए अल्लाह सिराते मुस्तकीम पर बैठकर मैं लोगों को गुमराह करूंगा। हर नमाज में हम दुआ मांगते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला। तो शैतान कहता है मैं सिराते मुस्तकीम पर ही बैठ के गुमराह करूंगा। शैतान शराब खाने में बैठ के गुमराह नहीं करेगा, वो मस्जिद में बैठ के लोगों को गुमराह करेगा। तो शैतान, बुजुर्गान दीन इंतकाल हो गए तो कौम के पास आया, औलाद के पास आया, कहने लगा, उनको भूल जाओगे क्या? उनको याद रखना चाहिए, लिहाजा उनके मुजस्समे बनाओ, उनके पुतले बनाओ, उनके स्टेचूस बनाओ। क्यों? नेक मकसद से, नेक मकसद से बनाओ। कहा क्यों बनाए? शैतान ने कहा, नेक लोगों को देखोगे तो अल्लाह याद आ जाए, इसलिए बनाओ। मकसद अच्छा है, नेक इरादा है, लेकिन इसी रास्ते से कैसे गुमराह किया? लोग बनाए, बुत बनाए, गुजर गए अल्लाह वाले, वो औलाद ने शिर्क नहीं किया, वो गुजर गए, उनकी औलाद जब आई, उन्होंने देखा कि हमारे बाप दादा इनके सामने खड़े होते थे अदब के साथ, तो शैतान ने कहा, उनके दिल में बात डाला कि अल्लाह तक पहुंचना है तो इनके जरिए से पहुंचना है। तुम डायरेक्ट अल्लाह से दुआ नहीं कर सकते, तुम डायरेक्ट अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, अल्लाह तक पहुंचना है तो इन बुजुर्गों के जरिए से पहुंचना है, इन बुतों के जरिए से पहुंचना है। इसी को वसीला कहते हैं, इसी को सदक़े तुफैल कहते हैं। इस रास्ते से शैतान ने लोगों को शिर्क में मुब्तला किया। तो पहले बिदअत में मुब्तला किया। बिदअत क्या है? नेक इरादे से बुत बनाए, अब शिर्क उनके औलाद ने कर दिया।
तो मालूम यह हुआ जो आदमी नाफरमानी करता है एक ना एक दिन वो बिदात में मुब्तला होगा, और जो बिदाती होगा एक ना एक दिन शैतान उन लोगों को शिर्क में मुब्तला करेगा। इसीलिए शैतान को गुनाह से ज्यादा बिदात पसंद है, गुनाह से ज्यादा शिर्क पसंद है। क्यों? इसलिए कि नाफरमानी करने वाला, गुनाह करने वाला, वो उसके दिल में ये बात होती है कि मैं गलत कर रहा हूँ, गलती करते हुए उसे गलती का एहसास होता है, एक ना एक दिन तौबा करेगा। लेकिन ये बिदाती, ये मुशरिक और शिरक करने वाले, वो गुनाह को गुनाह नहीं समझते, वो नेकी समझ के करते हैं। इसलिए शैतान को गुनहगार से बिदाती और शिरक करने वाले ज्यादा पसंद हैं, ज्यादा महबूब हैं। इसलिए जिंदगी में शैतान से होशियार रहना चाहिए। जिंदगी में सबसे ज्यादा नाजुक वक्त है मौत का वक्त, सकरात का वक्त। इसीलिए क्या फरमाया गया, लक्किनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह, मरने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो, उनके बाजू बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। इन्नमल आमालु बिल खवातिम, प्यारे नबी ने फरमाया आमाल का दारोमदार खातिमे पर है। इंसान का खातिमा अगर अच्छा हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और तो शैतान इस वक्त, इस नाजुक घड़ी में मौत के मरहला, मौत के मरहले से इंसान गुजर रहा है, सकरात का वक्त है, जान निकलने वाली है, उस वक्त बीच, उस नाजुक घड़ी में शैतान की कोशिश होती है कि इंसान को शिर्क में मुब्तला कर दे। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाही अलैह के दौर का एक वाकया है। उनके दौर के एक आलिम, एक मौली साहब सकरात में थे, लोग बाजू बैठ के कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन कर रहे थे, तौहीद की तलकीन कर रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो बोल रहे थे ला ला, इतना बोल रहे थे बस। अरबी में ला का माना क्या, नहीं। लोग बोल रहे ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो, ये बोल रहे नहीं, ला ला बोल रहे थे। लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, मौली साहब क्या है, सकरात के वक्त में कलमा पढ़ो बोल रहे हैं, ये बोल रहे ला बोल रहे हैं। जरा इफाका हुआ, जरा होश में आया अचानक, तो उन्होंने कहा लोगों, जैसे जब जब तुम मुझे तौहीद की तलकीन कर रहे थे शैतान मेरे आबाजू आके बैठ गया, वो कह रहा था शिर्क करो शिर्क करो, तो मैं उसे शैतान को कह रहा था कि ला ला नहीं नहीं। तो मालूम यह हुआ नाजुक घड़ी में सकरात के वक्त में भी शैतान की कोशिश होती है इंसान की सारी नेकियों पे पानी फेर दे, क्योंकि मौत के वक्त अगर शिर्क कर लिया सारी नेकियां अकारत हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, और ये हमेशा का जहन्नमी हो जाएगा। याद रखिए हजरात, शिर्क से बढ़कर इंसान के लिए कोई रुसवाई नहीं, शिर्क से बढ़कर इंसान की कोई जिल्लत नहीं। शिर्क करने वाला बहुत जलील होता है, बहुत बेइज्जत होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और उससे पहले के जमाने में मुशरिकीन, देखिए उनके पास बुत होते थे, बुतों को हमेशा साथ रखते थे, हजर में भी सफर में भी। पत्थर से बने हुए टुकड़े, पत्थर के टुकड़े उनके बुत थे। बुतों को जब सफर पे निकलते अपने ब्याग में बुत को रख लेते, अपने खुदा को रख लेते, और जैसे ही रास्ते में, क्योंकि अरब जो है पहाड़ी इलाका, पथरेला इलाका था, जैसे ही कोई और खूबसूरत पत्थर नजर आता ब्याग के पत्थर को निकाल के उस पत्थर को रख लेते थे। फिर आगे बढ़ते कि और खूबसूरत पत्थर नजर आता इस खुदा को फेंक देते, उस खुदा को ले लेते। ये शिर्क करने वाले हैं। बल्कि यहां तक लिखा है कि सत्तू के आटे से वो लोग बुत बनाते थे, और सफर में जब निकलते, जब सफर का तोशा खत्म हो जाता, खाने पीने की चीजें खत्म हो जाती, तो अब उनके खुदा की बारी आती। अब सत्तू के आटे से बनाए खुदा, कभी उसका हाथ को तोड़ के खा लिए, कभी उसके पैर को तोड़ के खा लिए, कभी सर को तोड़ के खा लिए, बल्कि पूरे आटे को कूट के खुदा को निकल जाते। तो ये मुवहिदीन, देखो मुवहिद और मोमिन आदमी क्या समझता है, सारी कायनात अल्लाह मेरे लिए बनाया है, ये कायनात मेरे लिए खुदा नहीं है, ये आसमान मेरे लिए,
یہ زمین میرے لیے، یہ دریا میرے لیے، یہ بارش میرے لیے، یہ سورج و چاند میرے لیے، مجھے اللہ کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے کہا سب تمہارے لیے، تم میری عبادت کرو۔ اور مشرک کیا ہے؟ اسے ذرے ذرے میں خدا نظر آتا ہے، اسے پہاڑوں میں خدا نظر آتا ہے، دریاؤں میں خدا نظر آتا ہے، ترکاری میں خدا نظر آتا ہے، حیوانات میں خدا نظر آتا ہے، جانوروں میں خدا نظر آتا ہے، نیمبو میں خدا نظر آتا ہے، ناریل میں خدا نظر آتا ہے، پیٹھے میں خدا نظر آتا ہے، مرچ میں خدا نظر آتا ہے، بلکہ ہر کنکر اس کا شنکر بن جاتا ہے۔ مشرک کا عقیدہ ہے، اور مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے فائدے کے لیے اور میری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا، ہم نے آدم کی اولاد کو بڑی عزت دیا۔ تو مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت عزت دیا، اتنا رتبہ دیا، اس کے باوجود انسان اپنے رتبے کو اتنا گرا لیا، اتنا گرا لیا، حد تو یہ ہے کہ انسان لنگم کی بھی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ اس سے بڑی بے عزتی اور اس سے بڑی رسوائی کہ انسان کی کیا ہو سکتی ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو شرک کرتا ہے گویا کہ وہ آسمان سے نیچے گرا دیا گیا، اس کا کوئی وزن نہیں، اس کی کوئی عزت نہیں اس کائنات کے اندر۔ تقی الدین ہلالی رحمت اللہ علیہ مدینہ یونیورسٹی کے بہت بڑے استاد گزرے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ وہ موراکو کے رہنے والے تھے۔ موراکو جو ہے پہلے فرانسیسی استعمار کے ماتحت تھا، جیسے ہمارا انڈیا 1947 سے پہلے برطانیہ کے قبضے میں تھا، 1947 سے پہلے، ویسے ہی موراکو پہلے فرانسیسی استعمار کے قبضے میں تھا۔ تو لکھتے ہیں کہ وہاں ایک فوجی کتے کو پالتا تھا، اور ویسٹرن کلچر میں کتے کی بڑی اہمیت ہے، اس کا غذا الگ، اس کا دوا الگ، اس کا لباس الگ، اس کا کمرہ الگ، ان کے پاس ماں باپ کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی کتے کی۔ اب وہ کتا اس کا مر گیا، کتا مر جانے کے بعد اس نے کیا کیا، کتے کو زمین میں دفن کر دیا۔ دفن کر کے اس کی قبر بنایا، اور اس کے قبر کے پاس ایک کتبہ لگایا۔ کتبہ کا مطلب پتھر پہ تراش کے لکھ دیا اس کا نام کیا ہے، وہ کب مر گیا ہو، اس کی تاریخ وغیرہ سب لکھ دیا اس پہ۔ جب فرانسیسی لوگ وہاں سے نکل گئے موراکو سے، تو یہ فوجی بھی وہاں سے نکل گیا۔ کئی سالوں کے بعد ایک مرتبہ اس کو موراکو آنا ہوا، تو اس کی خواہش ہوئی میرے پیارے کتے کو میں ایک مرتبہ اس کی قبر کو دیکھ لوں گا۔ جب وہ اس کی قبر کے پاس پہنچا تو حیرت کی انتہا نہ رہی، تعجب میں پڑ گیا کہ لوگوں کی بہت بڑی بھیڑ وہاں جمع ہو گئی ہے، لوگ وہاں اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس نے دیکھا بھائی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں، پوچھا اس نے، تو لوگوں نے کہا یہ اللہ کی ولی ہے، یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے۔ اس نے کہا نہیں میرے بھائی، یہ تو میرے کتے کی قبر ہے، مجھے معلوم ہے یہ جگہ میں خاص کر لیا ہوں۔ لوگ غصے میں آ گئے، کہنے لگے اللہ کے ولی کو کتا کہہ رہے ہو، غصے میں آ گئے، کیا دلیل تمہارے پاس؟ اس نے کہا دلیل میں بتاتا ہوں، قبر کے اوپر جو پتھر لگا ہوا ہے اس پہ کیا لکھا ہے پڑھو، کتے کا نام ہے اور اس کے وفات ہے، اس میں جو بھی مرثیہ لکھا ہوا تھا۔ اور موراکو گورنمنٹ میں جا کر اس نے سارا واقعہ سنایا، پولیس کو بھیج کر تفتیش کیا گیا، تلاش کیا گیا۔ جب قبر کھودا گیا تو قبر سے کتے کی ہڈیاں اس کی کھوپڑی نکلی۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، شرک کرنے والے کنکر، ہر کنکر میں ان کو خدا نظر آتا ہے، جانوروں میں ان کو خدا نظر آتا ہے۔ یہ تو دیکھیں کیسے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، کہتے ہیں اللہ کے ولی کی قبر ہے، ان کو یہاں تک معلوم نہیں کہ قبر میں کون ہے، کیسے لوگوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو شرک سے بڑھ کر رسوائی، شرک سے بڑھ کر بے عزتی اور ذلت کی بات اس کائنات میں کوئی نہیں۔ شیطان شرک کرواتا ہے تو شرک کرنے والوں کو اس کی دلیل بھی دکھاتا ہے، حالانکہ وہ دلیل نہیں ہوتی، وہ بلکہ شبہات ہوتے ہیں۔ شبہات دیکھیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی صحابی ہیں،
उनकी बीवी को उन्होंने देखा हाथ में धागा बंधा हुआ है। उन्होंने कहा बेगम से कहा है, बेगम ये हाथ में क्या बांध दी हो? तो बेगम ने कहा कि ये तावीज है। उन्होंने कहा तावीज क्यों तावीज पहनी हो? उसने कहा कि एक जमाने से मेरी आंख में दर्द हो रहा था, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, किसी ने बताया फला यहूदी काहिन के पास जाओ तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। मैं उस यहूदी काहिन के पास गई, उसने एक तावीज दिया, जैसे ही मैंने तावीज पहन लिया आंखों का दर्द खत्म, आंखों का चुभन खत्म हो गया। यहां देखिए यह दलील है, शैतान शिर्क करने वालों को दलील भी देता है। तावीज पहनने से दर्द खत्म हो जाता है, नजर खत्म हो जाता है, बीमारी खत्म हो जाती है, बलाएं टल जाते हैं। शिर्क के फितने में याद रखिए सबसे ज्यादा औरतें मुबतला हैं, बिदआत और शिर्क के फितने में सबसे ज्यादा मर्दों से ज्यादा औरतें आगे आगे रहती हैं। हमारी मां बहनों को देखो, घरों में कब्रों की जियारत करना हो, मज़ारों की जियारत करना हो, दरगाहों को जाने की ख्वाहिश जाहिर करना, मर्दों को लेकर निकलना, इसकी इसका पहला कदम औरतों की तरफ शुरू होता है, औरतें होती हैं। देखिए हदीस में क्या है, इन शैतान कद ऐसा याबुदहुल मुसल्लून फी जजीरतिल अरब, शैतान अब मायूस हो चुका है कि अरब में वो शिरक नहीं करवा सकता। लेकिन ये बात भी याद रखिए, कयामत से पहले अरब में शिरक आ जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक के कबीले दौस की औरत जुल्खिलसा की पूजा ना करे, उसका तवाफ ना करे। जुल्खिलसा अरब का एक बुत था, तो मालूम यह हुआ अरब के गड़े हुए पुराने बुत निकाले जाएंगे और उसकी पूजा की जाएगी, उसका तवाफ किया जाएगा, और इसकी इब्तिदा किससे होगी? एक औरत से होगी। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला ने अपनी बीवी से कहा, तुझे मालूम है क्या तेरी आंखों में जो दर्द हो रहा था हकीकत में वो एक जिन था, वो एक शैतान था जो तेरी आंखों में लगातार मुसलसल चुबा रहा था, जिसकी वजह से तेरी आंख में दर्द हो रहा था। जैसे ही तावीज पहन के तूने शिर्क कर लिया, अब जिन और शैतान का मकसद पूरा हो गया, अब वो चुबाना छोड़ दिया, तेरा दर्द खत्म हो गया। तो मालूम यह हुआ हजरत, शैतान इंसानों को शिर्क के चोर दरवाजों तक पहुंचाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करता है, तरह तरह से मेहनत करता है। बहुत सारे लोगों के जिस्मों में शैतान सवार होता है, जिन सवार हो गया, पगली पगली हरकतें करते हैं, पेट में दर्द, सर में दर्द, जी मौली साहब के पास जाते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो जिन निकलता नहीं। कई बार रुकिया किए, वो जिन निकलता नहीं है। किस कोई आके मशवरा देता है, फला बाबा के पास जाओ, फला दरगाह के पास जाओ, फला मज़ार के पास जाओ, वहाँ जाने से बलाएँ ख़त्म हो जाती है। जैसे ही किसी दरगाह के पास गया, अब जिन जिस्म से निकल के भाग जाता है और समझते हैं कि हमारा दर्द खत्म हो गया फला बाबा के पास जाने से। तो ये शैतान का मकसद पूरा हो गया, अब वो दर्द पहुंचाना छोड़ देता है। तो शैतान की ख्वाहिश क्या है? इंसानों को शिरक में मुब्तला करना, उसके अंदर उसके जिस्म में दाखिल होके उसे दर्द पहुंचा के, उसे तकलीफ दे के, किसी ना किसी रास्ते से लोगों को शिरक तक पहुंचाए और शिरक में मुब्तला करें। मोहतरम हजरात, बिदअत और शिर्क से दीन की शक्लो सूरत बदल जाती है। दीन जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले लाकर दिए, इसकी शक्ल बदल जाती है बिदअत की वजह से, इसकी शक्ल बदल जाती है शिर्क करने से। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, ऐ लोगों मैं जाते हुए तुम्हारे पास ऐसा दीन छोड़ के जा रहा हूं, लैलुहा कनहार यहां, जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन हैं, जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन हैं, ऐसा रोशन दिन छोड़ के जा रहा हूं, और फिर भी तुम काले दिन की तरफ जा रहे हो, शिर्क की तरफ जा रहे हो, रोशनी को छोड़कर, नूर को छोड़कर, शिर्क की तारियों की तरफ भटक रहे हो।
मोहतरम हजरात, देखिए जिक्र के सिलसिले में शैतान लोगों को कैसे गुमराह करता है। जिक्र के सिलसिले में लोग तीन दर्जे में मुब्तला हो गए, तीन ग्रुपों में तकसीम हो गए। वहदतुल वजूद का अकीदा इसे कहते हैं। लोग क्या कहते हैं कि एक दर्जा है इंसानों का आम इंसान, इंसानों का दूसरा दर्जा है खास इंसान, इंसानों का तीसरा दर्जा है अखसुल खवास, यानी खास में भी ज्यादा खास। आम इंसान, खास इंसान, अखसुल खवास, यानी खास में भी और ज्यादा खास। अब ये वहदतुल वजूद, ये सिलसिले वालों का अकीदा है, इबादत का, बंदगी का एक सफर है उनका। कहते हैं जो आम इंसान हैं वो मुकम्मल ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, फिर कहते हैं कि जो खास इंसान हैं वो पूरा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं, वो उनको सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहना काफी है। वो तीसरे जो अखसुल खवास हैं वो क्या करना है, अल्लाह भी बोलने की जरूरत नहीं, अल्लाह में अलिफ लाम निकाल दो तो आखिरी में बचा है हा, अल्लाह हु है ना, हु बचा हुआ है। तो कहते हैं उनको क्या कहना है, सिर्फ हु 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 कहना है, जो हु की जरबे लगाना है, हु के जरबे लगाते बैठना है झूलते हुए। तो ये तीन दर्जे उन्होंने बनाए इंसानों के, और कहते हैं कि जब इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह से अल्लाह तक पहुंचेगा, फिर अल्लाह से लेकर हु तक पहुंचेगा, फिर वो खुद अल्लाह बन जाएगा, अब उसको इबादत करने की जरूरत नहीं। ये वहदतुल वजूद का, सिलसिले वालों का, सूफिया का अकीदा है। शैतान ने उन लोगों को ऐसे मुब्तला किया। हालांकि हदीस रसूल क्या कहती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बयान फरमाया कि हजरत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने कहा, या मूसा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आए मूसा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। अखसुल खवास, खास में भी खास इंसान कौन है, पैगंबर हैं। तो मूसा अलैहि सलाम एक बड़े जलीलुल कदर पैगंबर हैं, पैगंबर और खास में से खास इंसान को अल्लाह क्या सिखा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुकम्मल कलमा पढ़ना है। लोगों ने क्या बना लिया, बिदात क्या बना लिया, अल्लाह के जिक्र को बदल दिया, अल्लाह हु 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 की जरबे लगाते बैठते हैं लोग। तो इस तरीके से शैतान लोगों को जिक्र अजकार के सिलसिले में बहुत सारी बिदातों में मुब्तला कर दिया है। बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान बिदात और शिर्क से क्या होता है, हमारी नेकियां बर्बाद हो जाती है। ये सबसे बड़ा नुकसान है, शिर्क करने से, बिदात करने से हमारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं। وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا, पहाड़ों के बराबर तुम्हारी नेकियां जर्रात और धूल की तरह हो जाती है। अल्लाह ने एक और सूरह कहफ में फरमाया, قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا। ऐ पैगंबर कह दीजिए, क्या ना बताऊं तुमको मैं, नेकियां कैसे बर्बाद हो जाती हैं। वहुम युहसिनूना सुना, दुनिया में बहुत सारे गुनाह के काम कर रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं। उलाइकल्लज़ीना कफरू बिआयातिना, यही लोग हैं जिन्होंने हमारी आयतों के साथ कुफ्र किया, और कयामत के दिन जब इनको लाया जाएगा तो इनके आमाल का कोई वजन नहीं होगा। बड़े बड़े नमाजी होंगे, बहुत रोजे रखे होंगे, बहुत हज उमरे किए होंगे, बड़ी बड़ी कुर्बानियां किए होंगे, सारी नेकियों का अल्लाह के पास कोई वजन नहीं होगा। देखने में इंसान मुशरिक मोटा ताजा होगा, कयामत के दिन जब उसको तोला जाएगा उसका वजन मच्छर के पर के बराबर नहीं होगा। पूरी नेकियां बर्बाद हो गई, क्यों जी, शिर्क की वजह से, बिदात की वजह से। याद रखिए, हमेशा शैतान को मासियत से ज्यादा बिदात और शिर्क पसंद है, गुनाह से ज्यादा बिदात पसंद है। क्यों, मिसाल के तौर पर एक है चोरी करने वाला, दूसरा है फातिहा देने वाला। चोरी करने वाले से आप पूछिए आप क्या कर रहे हैं, वो बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूं, गुनाह कर रहा हूं, गलती कर रहा हूं।
गलती करते हुए उसे गलती का एहसास है कि मैं गलत काम कर रहा हूं, ऐसे इंसान को एक न एक दिन उम्मीद है कि वह तौबा करेगा, तौबा की तरफ आमादा होगा, क्योंकि गलती को गलती मानता है, गुनाह को गुनाह मानता है। एक बिदाती से पूछिए, फातिहा देने वाले से पूछिए, भाई आप क्या कर रहे हैं, बोलेगा मैं नेकी का काम कर रहा हूं, बहुत सवाब का काम कर रहा हूं। तो जो आदमी गुनाह को नेकी समझेगा, फिर वो तौबा कैसे करेगा, उससे तौबा की उम्मीद कैसे की जा सकती है, उसी हालत में शिर्क करते हुए बिदात करते हुए मर जाएगा। इसीलिए शैतान को हमेशा से मासियत और नाफरमानी से ज्यादा बिदात और शिर्क पसंद है, क्योंकि ये ऐसा गुनाह है जिसकी माफी नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु एक मर्तबा एक ईसाई को देखे, वो चर्च में बहुत इबादत कर रहा था, थका देने वाली इबादत कर रहा था, ईसाई राहिब। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु उसको देखकर रोने लगे, उसको देखकर हजरत उमर को रोना आ गया और कुरान की वो आयतें उनको याद आ गई और कहने लगे, हल अताक हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया, कयामत के दिन बहुत सारे लोगों के चेहरे शर्मिंदगी से झुके होंगे, तसला नारन हामिया, दर्दनाक अंगारों में दाखिल होंगे। अल्लाह अकबर। दुनिया के अंदर शिर्क करते हैं, अगरचे को थका देने वाली इबादत करें, उनकी सारी इबादतें अकारत हो जाएंगी, नाकाम और नामुराद हो जाएंगी और वो दर्दनाक अजाब में दाखिल होंगे। ये तो दुनिया है हजरत, आखिरत में क्या है? आखिरत में तो अल्लाह ने फरमाया यौम तबयद्दु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह, क़यामत के दिन दो तरह के लोग होंगे, एक के चेहरे रोशन होंगे, एक के चेहरे काले होंगे। बाज़ लोगों के चेहरे रोशन, बाज़ लोगों के चेहरे काले होंगे। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत की तफसीर करते हुए कहते हैं, जिनके चेहरे रोशन होंगे वो अहले सुन्नत और सुन्नतों पर अमल करने वाले, और जिनके चेहरे काले पड़ गए होंगे वो अहले बिदात यानी बिदातों पर चलने वाले, बिदातों पर चलने वाले। मेरे मोहतरम हजरात, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा इनाम जो देगा वो हौज़े कौसर है। प्यास के लिए इंसान तड़प रहे होंगे, सारी इंसानियत पानी पानी बोल के तरस रही होगी, सूरज सरों पर होगा, जिस्म पर कपड़े नहीं होंगे, पसीने में शराबोर होंगे, ऐसी प्यास लग रही होगी, बला की प्यास लग रही होगी। ऐसे में प्यारे नबी को बहुत बड़ा इनाम अल्लाह ये देगा, हौज़े कौसर मुकर्रर करेगा। वो कौसर का पानी जो इंसान पी लेगा उसकी प्यास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ऐसे में लोग लाइन से कितार दर कितार आएंगे, अल्लाह के नबी पानी डुबाकर उनको देते रहेंगे और वो पीते रहेंगे। इतने में कुछ लोग आएंगे, फरिश्ते उनका रास्ता रोक देंगे, प्यारे नबी देखेंगे, फरिश्तों से कहेंगे, फरिश्तों तुम उनको क्यों रोक रहे हो, वो मेरे उम्मती हैं, उनको आने दीजिए, मैं उनको भी पानी हौज़े कौसर पिलाऊंगा। फरिश्ते कहेंगे इन्नक ला तदरी मा अहदसु बादका, अय पैगंबर आप नहीं जानते कि आप दुनिया से चले जाने के बाद इन्होंने आपके दीन के साथ कैसा खिलवाड़ किया, दीन के अंदर नई नई बिदातों को इन्होंने ईजाद किया, आपको मालूम नहीं, आप गुजर गए दुनिया से। प्यारे नबी ये सुनेंगे, इतना गुस्से में आ जाएंगे, रहमतुल लिल आलमीन, इतने बड़े रहम करने वाले पैगंबर इतने गुस्से में आ जाएंगे और कहेंगे सुहकन सुहकन लिमन बद्दल बादी दीनी, दूर भगा दो उनको यहां से, मेरी नजरों से दूर कर दो जिन्होंने मेरे गुजर जाने के बाद मेरे दीन की शक्ल को बदल के रख दिया। कैसे कैसे लोग, आज ये रबीउल अव्वल का महीना है, आज 10 तारीख है, देखिए और 2 दिन में लोग मीलादुन नबी मनाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सालगिरह मनाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुट्टीना रोजू मनाते हैं, उसी को अरबी में मीलादुन नबी कहते हैं। अल्लाह अकबर, नबी का बर्थडे, अरे ये तो ईसाइयों की रविश है,
क्रिश्चियन हजरत को आप देखो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाते हैं साल में एक मरतबा, उसी का देखा देखी मुसलमानों में ये चीज आ गई। हर घर में बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, नए कपड़े पहनना, केक काटना, बिरयानी पका के खाना, दोस्तों अहबाब को बुलाना, फंक्शन की तरह मुनाकिद करना, ये सब किसका तरीका है? प्यारे नबी ने फरमाया लतत्तबियन्ना सनन मन काना कबलकुम, क़यामत से करीब जरूर बिज़रूर तुम लोग ईसाइयों की पैरवी करोगे। आज उनके नक्शे कदम पर मुसलमान बराबर चल रहे हैं, अपने बच्चों का बर्थडे मना रहे हैं, यहां तक कि हमारे नबी को भी नहीं बख्शे, हमारे नबी का भी बर्थडे बनाते, उसी को मीलादुन्नबी कहते हैं। दीन क्या है? दीन वो है जो नबी ने किया, नबी ने बताया। हमारे नबी इतनी सारी तालीमात देकर गए, क्या मीलादुन्नबी की तालीम क्यों नहीं दिए? जिस नबी ने खाने का तरीका बताया, जिस नबी ने पीने का तरीका बताया, जिस नबी ने सोने जागने का तरीका बताया, जिस नबी ने उठने बैठने का तरीका बताया, जिस नबी ने हमको ये बताया कि बाथरूम में कैसा रहना है, बेडरूम में कैसा रहना है, क्या वो नबी हमको मीलादुन्नबी करना नहीं बताए? नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कैसे कैसे लोग हैं कहते हैं हमको नबी से मोहब्बत है इसलिए हम मीलादुन्नबी मनाते हैं, तुमको नबी से मोहब्बत नहीं इसलिए तुम नहीं मनाते। मुझे बताओ सबसे पहले मीलादुन्नबी मनाने वाला कौन है? गुज़श्ता जुमा में बताया था, कौन है जी? आपका चचा अबू लहब। अल्लाह ने उसके बारे में क्या फरमाया? तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। अबू लहब बर्बाद हो गया, उसकी कमाई ना काम आई, ना उसकी उसका माल उसे काम आ गया। सयसला नारन ज़ात लहब उम्रातुहु, वो दर्दनाक अंगार में जहन्नम में दाखिल होगा। सिर्फ वही नहीं, उसकी बीवी भी उम्मे जमील भी दाखिल होगी। असल में ये मीलादुन्नबी जो शुरू हुआ है ना, प्यारे नबी के इंतकाल के 350 पर एक साल के बाद शुरू हुआ। कितने? 350 पर एक साल के बाद शुरू हुआ, यानी सन 360 पर 2 हिजरी में मिस्र में फातिमी सल्तनत का पहला बादशाह अल-मुइज़ लिदीनिल्लाह ने इसको सबसे पहले शुरू किया और आज तक उसी सिलसिले को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और कितना अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बाज इलाकों में तो वो गुंबद खजरा होता ना, ग्रीन गुंबद, उसको रिक्शे पे ट्रैक्टर पे लेके जैसे गैर मुस्लिम हजरात मनाते हैं ना विनायक चौथी, वैसे मुसलमान भी ढोल बाजा बजाते हुए खवालियों के साथ पी के नाचते हुए गुजरते हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है। ये सब चीजें मैं क्या बताना चाहता हूं, शैतान का कमाल है कि गुनाह को नेकी का नाम देता है, झूठ को सच्चाई का नाम देता है, बिदात को सुन्नत का नाम देता है और शिर्क को तौहीद का नाम देके लोगों को गुमराह करता है हर अमल। लिहाजा हमको चाहिए कि दलील के साथ अमल करें। मीलादुन्नबी हो, मातम हुसैन हो, 11वीं शरीफ हो, रजब के कुंडे हो और रोटियों की ईद हो, मज़ारों पे चादर चढ़ाना हो, कब्रों का तवाफ करना हो, ये सारी चीज़ें, इन सब को शैतान दीन का नाम दिया और लोगों को दीन से दूर कर दिया। लिहाजा हमको होशियार होने की ज़रूरत है। मुसलमान वो है कोई भी काम करने से पहले दलील पूछता है, कोई भी कदम बढ़ाने से पहले दलील पूछता है, इस काम को करने की क्या दलील है, इस काम को करने की क्या प्रूफ है, शरीयत क्या कहती है, कुरान में दलील क्या है, हदीस में दलील क्या है। जो मुसलमान हर काम से पहले दलील पूछता है वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह सुबहाना व ताला हम सबको प्यारे नबी की प्यारी प्यारी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नतों पर चलने की, मुत्तबी सुन्नत बनने की तौफीक अता फरमाए, बिदअत से, शिरक से, खुराफात से अल्लाह पाक हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बीमार हैं उनको शिफा याबी अता फरमा, जो मकरूज हैं ऐ अल्लाह उनके कर्ज़ों की अदायगी फरमा, ऐ अल्लाह जो लोग हस्पतालों में हैं उनको शिफा कुल्ली अता फरमा, ऐ अल्लाह जो बे औलाद हैं उनको नेक औलाद नसीब फरमा, जो बे शादी हैं उनको नेक रिश्ते कायम फरमा, अल्लाह दुनिया में दीन को जिंदा फरमा,
اسلام کا بول بالا فرما، حق کو سربلندی عطا فرما، باطل کو نیست و نابود فرما، کفر و شرک کا خاتمہ فرما، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کی حسد سے ہم سب کی حفاظت فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم۔